नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पे साबुत जीरा ले लिया है, एक चाय कप। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर चुके हैं, तो मीडियम आंच में हम लोग हल्का ये साबुत जीरा है उसको हम भून लेंगे और थोड़ा सा कुरकुरा बना लेंगे। ठीक है, चलिए मीडियम आंच में आप साबुत जीरे को भून लीजिए। हम लोग यहाँ पे हल्का भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कुरकुरापन आ जाएगा तो हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे धनिया जो जीरा है, साबुत जीरा, वो बिल्कुल भून चुका है। तो अब हम इसको प्लेट पे निकाल चुके हैं, तो देख लीजिए बिल्कुल ठीक ठाक बना है। तो अब हम ये जो जीरा है, साबुत जीरा, सेकने के बाद उसको हम लोग मिक्सचर में पीस लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो खलबत्ते पे भी पीस सकते हो, यहाँ पर मैं मिक्सचर में पीस रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 मिनट तक ये जो धन जीरा है उसको मैं पीस लूँगी। ठीक है, चलिए ऑन कर देते हैं। तो हम लोग 1 मिनट तक ये जो जीरा है, साबुत जीरा, उसको पीस कर पाउडर बना लेंगे। देखिए हमारा वो हो रहा है, बस 1 मिनट बाद आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा जीरा पाउडर बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना है, जो दुकान में हम लोग को मिलता है बाहर में बाजार में, उससे ज़्यादा अच्छा बना है और सस्ता भी है। घर पे बनाना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब आप अगर घर पे बनाएंगे तो बहुत ही सस्ता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमारा क्यूमिन सीड्स पाउडर, जीरा पाउडर बनके तैयार है। बहुत ही आसान है, आपने देख लिया इसको घर पे बनाना, तो आप इसे घर पे जरूर बनाएं। आपका एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मैं बहुत आसान तरीके से आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। अगर आपको कोई भी रेसिपी सीखनी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं वो रेसिपी जरूर आपको बना के सिखा दूंगी। तब तो फिर नया रेसिपी लेकर मैं फिर से आऊँगी। तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा। नमस्ते।